अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और ठीक उसके सामने जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेडीज एम्पायर में। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज टीचर्स डे है, आज सर्वपल्ली राधा कृष्ण का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं और मैं भी एक टीचर ही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और कुछ शिक्षा हमारे स्टूडेंट्स को भी दी जाए और लोगों को भी दी जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है पबजी के ऊपर। जी हाँ, पबजी के ऊपर एक फेमस गेम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पबजी के बारे में। फ्रेंड्स, पबजी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं एक कार्ड दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया है, ध्रुवज्योति राजकुआ, तो मैं उसे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसी तरीके से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट किया है, किसी ने पेन दिया है, किसी ने इसी तरीके का कार्ड दिया है, तो ये कार्ड मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बहुत दिल से, अपना दिल से मुझे प्यार दिया है, मैं उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं पबजी के बारे में। तो पबजी जो गेम है वो साउथ कोरिया की एक कंपनी है, वीडियो गेम कंपनी, उसने मार्च में इसको बनाया था, मार्च 2017 में। उसके बाद ये आज तक का 2018 का जुलाई तक में बेस्ट सेलिंग गेम है जो हर कोई आज के डेट में इसे इंस्टॉल कर रहा है और खेल रहा है। जी हाँ, और खेलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये गेम है ही ऐसा, इसमें ग्राफिक्स बहुत बढ़िया दिया गया है और जो गेम प्ले है वो गेम प्ले भी बहुत ही अच्छा है, तो हर कोई इसे खेलना चाहता है, हर कोई इसका दीवाना है। मुझे भी ये गेम वैसे तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन मैं इसे खेलता नहीं हूँ, मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसके बाद मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। क्योंकि देखिए, मैं आज एज अ गुरु, एज अ टीचर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए, ज़्यादा गेम खेलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो पबजी जो गेम है वो गेम आपके आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि आपको रेगुलर उसके सामने बैठ करके, स्क्रीन के सामने बैठ करके और स्क्रीन में कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखता रहना होता है, क्योंकि आपका एनिमी कहीं से भी आपको अटैक कर सकता है। आप उस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जो पबजी गेम है, जो मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो आपकी आंखों की रोशनी को खराब कर रहा है। इसीलिए आज के डेट में देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे यंगस्टर हैं जो चश्मा पहनने लगे हैं और चश्मा पहनने का रीजन भी यही है, मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने हमारा लाइफ को इजी किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो हमें बहुत कुछ देता है, तो बहुत कुछ देने के साथ साथ हमसे बहुत कुछ लेता भी है। तो जो सबसे पहले लेता है वो हमारी टाइम ले लेता है हमसे, हम टोटली उसमें इतना इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपना हर कोई काम भूल जाते हैं। तो हमें बस पबजी या फिर बस कोई और गेम जैसे COC या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इन्हीं में डूबकर नहीं रहना है। हम इन्हीं में डूबे रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो हमारा होता है वो हम मोबाइल के डिस्प्ले को देखते हुए बिताते हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी पे असर पड़ता है। उसी तरह जैसे पबजी का गेम के बारे में मैं बता रहा था कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो टोटली पबजी में रहता है, और पबजी में रहने की वजह से क्या होता है, हमारी आंखें जो हैं वो टोटली डिस्प्ले पर टिकी रहती हैं, डिस्प्ले पर टिके रहने की वजह से हमारी आंखों को नुकसान होता है। तो अभी पबजी के बारे में आगे बात करने से पहले आप ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस आई बटन को क्लिक कीजिए और वहाँ में एक क्वेश्चन है, एक पोल चल रहा है, उस पोल का आप मुझे जवाब दीजिए। पोल में क्वेश्चन है कि, तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आई बटन दबाने के बाद, वो क्वेश्चन है, क्या पबजी हमारे लिए नुकसानदायक है? आपको जवाब देना है हाँ या ना में। तो चलिए बात करते हैं पबजी के बारे में आगे। तो फ्रेंड्स, जो पबजी है वो सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी और हमारे टाइम को वेस्ट नहीं करता है, बल्कि जो आपकी मोबाइल फोन है, आपका जो मोबाइल फोन है उसकी बैटरी को भी खा जाता है। जी हाँ, बैटरी को खा जाता है, क्योंकि ये इसका जो रेजोल्यूशन है वो इतना हाई है कि वो आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है, कंज्यूम करता ही रहता है, और
बहुत ही जल्दी आपका चाहे बैटरी हो 5000 mAh का बैटरी हो चाहे 4000 mAh का बैटरी हो, वो बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। जी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे मोबाइल में इंस्टॉल था, मैंने उस गेम को खेला है। खेलने के बाद जो मेरा MI Note 5 Pro है 4000 mAh का बैटरी, जो काफ़ी बड़ा बैटरी है, उस बैटरी को भी वो बहुत जल्दी ड्रेन कर दे रहा था, इसीलिए मैंने उस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। खेलने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन अगर आपको बार बार अपने मोबाइल को चार्ज करता रहना पड़े या फिर एक पावर बैंक अपने जेब पर लेकर घूमना पड़े तो मज़ा नहीं आता है। इससे बैटरी लाइफ भी खराब होता है, आपका मोबाइल जल्दी खराब होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए इस गेम को नहीं खेलना या फिर उसे इंस्टॉल ना करना ही बेहतर है। दूसरी बात देखिए, अगर आपका मोबाइल 2GB रैम वाला है और आप उसमें पबजी को इंस्टॉल कर रहे हो और खेल रहे हो तो वो उसमें चल नहीं पाएगा, ढंग से क्रैशेस होगा। तो आपको जो मोबाइल चाहिए होगा वो मोबाइल थोड़ा हाई रेजोल्यूशन वाला और उसके साथ साथ ज़्यादा रैम वाला मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा आपको पबजी खेलने के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पबजी ना ही खेलें, क्योंकि अगर आप पबजी खेलने का अगर आपको शौक चढ़ गया तो आप अपने पापा को ज़बरदस्ती करने लगेंगे कि ना मुझे 2GB रैम वाला मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे 4GB रैम वाला मोबाइल खरीद दीजिए, और आपने पापा को आप प्रेशराइज करने लगेंगे ये आपके लिए दूसरा मोबाइल खरीदे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कुछ ना करें और पबजी को इंस्टॉल ही ना करें। जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि देखिए स्पेस जो है ये काफ़ी स्पेस ले लेता है, ये 1.6GB का गेम है। जी हाँ, 1.6GB का, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, तो 1.6GB का गेम है। और इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक दिन का टोटल डाटा 1.4GB आपको डाटा मिलता है, उस 1.4GB डाटा से भी ये गेम इंस्टॉल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप इसे इंस्टॉल ना ही करें, क्योंकि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद ये आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा खाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट कभी भी अपडेट आएगा, जब भी ये अपडेट आता है, मैंने भी देखा कि मेरा नेक्स्ट अपडेट जब आया था तो ये 120 MB या कुछ का एक अपडेट था। तो आप सोचिए कि नया 120 आपके गेम में ऐड, 120 MB आपके गेम में ऐड हो रहा है, इस तरीके से आपका स्पेस कितना चला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए आप लोग, और इस गेम से दूर रहिए। और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है और पबजी खेल रहा है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग अगर इस गेम को इतना खेलने लगेंगे, देखिए अभी इंडिया में इस गेम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, हर कोई इस गेम को खेलना चाहता है, लेकिन अगर आप अगर US के साथ कंपेयर करें तो उन लोगों ने इस गेम को खेलना बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि उन्हें पावर बैंक जेब में लेकर के घूमना पड़ेगा, उनकी आंखों को नुकसान हो रहा है, उनको जो भी नुकसान है उनका स्पेस ये मोबाइल खा रहा है उनके मोबाइल का स्पेस। तो इसलिए उन लोगों ने इस गेम को खेलना छोड़ दिया है, लेकिन हम इंडियंस उस गेम के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बातों को मानना चाहते हैं, अगर सुनना चाहते हैं, तो पबजी को आपके मोबाइल में अगर इंस्टॉल भी है तो अनइंस्टॉल कर दीजिए और अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। बस आगे का सोचिए, क्योंकि गेम खेलने के मौके हमें और भी मिलेंगे, लेकिन स्टडी का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके के कुछ रोचक बात, कुछ रोचक एप्लीकेशंस लेकर हम फिर दोबारा से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।